हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त पंकज और स्वागत है आपका एक बार फिर से श्री बालाजी कंप्यूटर्स में। फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसी टूल किट के बारे में बताएंगे जो कि आपकी सोशल लाइफ की एक्सपीरियंस को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा इजी बना देगी। ये टूल किट है दोस्तों बेसिकली फेसबुक के लिए। फेसबुक में हम अपने क्रोम ब्राउजर में एक ऐसी फेसबुक की सोशल टूल किट को एक्सटेंशन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपका फेसबुक यूज करने का पूरा एक्सपीरियंस ही बदल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस टूल किट को हम यूज कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस रेड कलर के बटन को प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। तो चलिए देखते हैं हमारी टूल किट के बारे में। इसके लिए सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करें। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको एप्स में जाना होगा। जैसे कि हमने अभी न्यू टैब पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर यूआरएल के बार के नीचे एप्स का जो ऑप्शन है वो हमको यहां पे दिखाई दे रहा है। हम इस पर क्लिक करेंगे। एप्स पर क्लिक करने के बाद हम वेब स्टोर में जाएंगे। वेब स्टोर में जाने के बाद हम यहां सर्च बार में सर्च करेंगे फेसबुक सोशल टूल किट और एंटर प्रेस कर देंगे। जो सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों, टूल किट फॉर फेसबुक, हमें इसी को ऐड करना है। तो हम यहां पर ऐड टू क्रोम पर क्लिक करेंगे। राइट हैंड साइड में ब्लू कलर का जो बटन यहां पर है, हम यहां पर क्लिक करेंगे ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन। अभी हमारी जो एक्सटेंशन है वो डाउनलोड होना शुरू हो गया है। डाउनलोड होने के बाद ये अपने आप हमारे क्रोम ब्राउजर में ऐड हो जाएगी। अभी आप देखेंगे कि हमारी जो एक्सटेंशन है वो हमारे क्रोम ब्राउजर में ऐड हो गई है। टूल किट फॉर फेसबुक हैज बीन एडेड टू योर क्रोम ब्राउजर। और यहां पे आप राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर फेसबुक सोशल टूल किट का जो आइकन है वो आप यहां पर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस एक्सटेंशन को हम यूज कैसे कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप अपनी फेसबुक में लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद हम इस FST पर क्लिक करते हैं। हमारे इस जो फेसबुक के टूल किट का आइकन है उस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको बहुत से यहां पर ऑप्शंस दिए जाते हैं दोस्तों, जो कि अकाउंट टूल्स हैं, एक्सट्रैक्शन टूल्स हैं, रिमूवल टूल्स हैं, इमोजी, बैकग्राउंड्स एंड अदर्स। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप इस टूल किट के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले छोटे से छोटी चीजों से शुरू करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। होम पर चलते हैं। होम पर चलकर दोस्तों हम ये देखते हैं कि हमको बहुत सी हमारी जो फ्रेंड्स की जो पोस्ट्स हैं वो हमारी जो टाइमलाइन है यहां पर हमको शो करेंगी। कई बार कैसा होता है कि जैसे आजकल का दौर है कि अगर हम किसी की पोस्ट को लाइक करते हैं तो ही वो हमारी पोस्ट को लाइक करता है, वरना लोग लाइक ही नहीं करते। तो अगर हम हमारे अकेले अकेले फ्रेंड्स की पोस्ट को लाइक करना शुरू करें तो हमको बहुत सारा टाइम लग जाएगा। लेकिन आप अपनी FST टूल किट पर जाइए। टूल किट पर जाकर आप यहां पे देख सकते हैं क्लिक ऑल लाइक बटन्स। इसको हम क्लिक करेंगे, हमारे यहां पे एक पॉपअप विंडो ओपन हो गई। क्लिक ऑल लाइक बटन्स, इस पर क्लिक कर दीजिए। आप नीचे देख सकते हैं ऑल लाइक बटन्स आर क्लिक्ड, ये नीचे हमारा मैसेज आ रहा है ऑल लाइक बटन्स आर क्लिक्ड। अभी आप अगर हमारी पोस्ट चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर हमारी तरफ से जो लाइक है वो किया जा चुका है। हर पोस्ट पर हमारी तरफ से लाइक किया जा चुका है। आप देख सकते हैं हर पोस्ट हमारी तरफ से लाइक की जा चुकी है। इसके आगे के जो ऑप्शंस हैं अब हम वो देखते हैं। दोबारा से हम FST पर क्लिक करते हैं। अब यहां पर दोस्तों हम देखेंगे कि बहुत से ऑप्शंस हैं जो यहां पर आप यूज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है वीडियो डाउनलोडिंग टूल का। अगर आपको फेसबुक पर कोई वीडियो पसंद आती है और आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस टूल की सहायता से उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा दूसरा ऑप्शन है इनवाइट फ्रेंड्स टू लाइक योर पेज। आप अपने फ्रेंड्स को अपना पेज
लाइक करने के लिए इनवाइट कर सकते हैं, इनविटेशन भेज सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको आपके पेज की पेज आईडी मालूम होनी चाहिए, जो कि पेज की सेटिंग्स में जाकर आप वो आईडी मालूम कर सकते हैं। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है वो यहां पर ये भी एक आ जाता है, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट ऑल फ्रेंड रिक्वेस्ट्स एट वंस। अब मान लीजिए कई बार ज्यादातर लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि उनके बहुत सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट यहां पर आई होती हैं। अगर तो आप अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट को चूज करके एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं सारी की सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दूं या एक्सेप्ट कर दूं, तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये एक नए पेज में ओपन हो जाएगा और यहां पर आप एक्सेप्ट ऑल या फिर रिजेक्ट ऑल पर आप क्लिक कर सकते हैं और आपकी जितनी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको आई होंगी वो या तो एक्सेप्ट हो जाएंगी और या रिजेक्ट हो जाएंगी। इससे अगला ऑप्शन हम देखते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं हमारे बहुत से ऐसे ऑप्शन हैं, जैसे कि आप मान लीजिए आपने एक ग्रुप बनाया हुआ है और आप उस ग्रुप को किसी और के नाम पर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए कि आप बहुत से ग्रुप्स में मेंबर हैं। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैं 40 ग्रुप्स में, लगभग 40 ग्रुप्स में मैं मेंबर हूं, मैंने 40 ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, तो मैं अगर चाहूं तो मैं एक ही साथ में 40 ग्रुप्स में अपना जो मैसेज है वो सेंड कर सकता हूं। वो कैसे, हम ग्रुप पोस्टिंग टूल पर जाएंगे। अब यहां पर जैसे कि मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो एक्सटेंशन हम यहां पर ऐड करते हैं ये ट्रायल वर्जन होता है और एक एक्सटेंशन के सभी फीचर्स को यूज करने के लिए आपको एक की जरूरत पड़ती है। आप डिस्क्रिप्शन में से हमारी इस ईमेल आईडी और की को कॉपी कर सकते हैं और उसे आसानी से यूज कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि हम ग्रुप पोस्टिंग टूल पर क्लिक करते हैं और यहां पर ये हमसे ईमेल आईडी और लाइसेंस की मांगता है, तो हम ये हमारी जो की है हमारे पास, हमारी ईमेल आईडी यहां से कॉपी करेंगे और यहां पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम यहां से अपनी की कॉपी करेंगे और यहां पर पेस्ट कर देंगे और उसके बाद हम लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। अभी आप देखेंगे कि आपका जो ग्रुप का पोस्टिंग का जो एक पॉपअप है वो ओपन हो गया है। यहां पर फॉर एग्जांपल आप अपना मैसेज यहां पर टाइप कर सकते हैं, प्लीज ज्वाइन अस ऑन फेसबुक एंड लाइक आवर पेज। उसके नीचे एंटर लिंक्स, यहां पर आप चाहें तो आप यहां पर अगर आप चाहें तो आप एक्सटर्नल लिंक्स भी डाल सकते हैं, लेकिन फेसबुक हमें यह रेकमेंड करता है कि हम फेसबुक के लिंक्स ही यूज करें। तो जैसे कि अभी मैं अपने पेज पर जाता हूं और अपने पेज का जो यूआरएल है वो यहां से कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने के बाद हम इस यूआरएल को यहां पर पेस्ट कर देते हैं। अब उसके बाद हमें इस लिंक का टाइटल देना है, लाइक आर पेज। उसके नीचे इस लिंक को हमें एक इमेज फाइल देनी है। अगर आप चाहें तो आप यहां पर कोई एक्स्ट्रा यूआरएल अपनी पिक्चर का, जो पिक्चर आपको पसंद हो वो आप यहां पर डाल सकते हैं। फिलहाल हम सेम यूआरएल ही यहां पर भी डाल देते हैं। और उसके बाद आपको अपने लिंक का एक डिस्क्रिप्शन देना है कि ये जो आपका लिंक है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर हम लिख देते हैं, दिस इज अ लिंक टू आर फेसबुक पेज। अब उसके नीचे हमारे पास डिले टाइम है बिटवीन रिक्वेस्ट, कि आपकी जो पोस्टिंग है वो कितने टाइम डिले में हो। फिलहाल यहां पर जो बाय डिफॉल्ट टाइम होता है वो होता है 60 सेकंड्स का, हम इसको 5 सेकंड्स कर देते हैं और पोस्ट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम पोस्ट पर क्लिक करते हैं आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारी जो पोस्ट है वो अलग अलग ग्रुप में पोस्ट होनी शुरू हो गई है, जैसे कि पोस्टेड ऑन ग्रुप नंबर 47, पोस्टेड ऑन ग्रुप नंबर 48, आप यहां पर देख सकते हैं। ये बेसिकली एक एरर यहां पर आ रहा है क्योंकि आप इस फीचर को दिन में 1 से 2 बार ही यूज कर सकते हैं। अगर आप इस फीचर को दिन में 1 से या 2 से ज्यादा बार यूज करेंगे तो फेसबुक इसका आपको एरर देना शुरू कर देता है। फिलहाल हम इसको कैंसिल कर देते हैं।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी टाइमलाइन पर भी शो होना शुरू हो गया है, लाइक आर पेज, दिस इज अ लिंक टू आर फेसबुक पेज। इसके आगे के जो फीचर हम देख लेते हैं, अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी आपने फेसबुक के जो पेजेस बनाए हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे 3 पेजेस हैं, तो हम 3 के 3 पेजेस पर एक ही पोस्ट अगर हम भेजना चाहते हैं तो हम वो पोस्ट उन पेजेस पर भेज सकते हैं। आपके तीनों के तीनों पेजेस पर एक ही पोस्ट एक ही टाइम पर चली जाएगी। अगर आप अपने सभी फेसबुक फ्रेंड्स को एक ही साथ कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पर हमारे किसी न किसी फ्रेंड का बर्थडे जरूर होता है रोज, तो आज हम यहाँ पर अपने उन फ्रेंड्स को बर्थडे विशेष जो है वो सेंड करके देखते हैं। सेंड बर्थडे विशेष पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना मैसेज टाइप करेंगे, सॉरी मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे डियर फ्रेंड, और हम इसे सेंड एज अ पोस्ट पर क्लिक कर देंगे या सेंड एज अ मैसेज, जैसे भी आप चाहें आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। सेंड एज अ पोस्ट पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि प्लीज वेट सेंडिंग योर बर्थडे विशेष, बर्थडे विशेष शेयर्ड ऑफ टाइमलाइन 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो जितने भी हमारे फ्रेंड्स का आज बर्थडे था उनको हमारी तरफ से जो बर्थडे विशेष हैं वो सेंड हो गई हैं। यानी कि आप इस टूल किट का इस्तेमाल करके एक ही साथ में अपने बहुत से दोस्तों से बात कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन टूल में हम जाते हैं, यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स की जो फेसबुक आईडी है उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स की ईमेल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या आप उनके फोन नंबर्स भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अगर उन्होंने अपनी फेसबुक आईडी पर वो नंबर डाले हुए हैं तो। रिमूवल टूल है, रिमूवल टूल में अनलाइक ऑल फेसबुक पेजेस, आपने जितने भी फेसबुक पेज अब तक लाइक किए हुए हैं वो सभी के सभी एक साथ अनलाइक हो जाएंगे। अनफ्रेंड ऑल फेसबुक फ्रेंड्स, जितने भी आपके फेसबुक फ्रेंड्स हैं वो सारे के सारे एक ही बार में अनफ्रेंड हो जाएंगे। इसी तरह से आप इन टूल्स का उपयोग कर सकते हैं, डिलीट ऑल कमेंट्स, अनफॉलो ऑल ग्रुप्स वगैरह वगैरह। इमोजीज आप सेंड कर सकते हैं, बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं अपने मैसेजेस का, और भी बहुत से काम आप कर सकते हैं। तो ये थी हमारी टूल किट फेसबुक के लिए दोस्तों। हमारी अगली वीडियो में हम आपको ट्विटर की टूल किट के बारे में बताएंगे कि ट्विटर की टूल किट को हम कैसे यूज कर सकते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए हमारी वीडियो पर ताकि हम आपको और भी बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए, लाइक कीजिए हमारी वीडियोज को, और सबसे महत्वपूर्ण सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल फॉर मोर अपडेट्स, ताकि आपको हमारी वीडियोस की जो जानकारी है वो टाइम से मिलती रहे और आप उसका फायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन, बाय बाय।